कल मैंने रश्का यूनियन के सदर के साथ बात किया। मैंने बोला अगर कल तुम्हारे रश्के वाले यहाँ आए, अगर उन्होंने यहाँ रश्के अपने ठहराए तो मेरे मजदूर बिल्कुल इंशाल्लाह, पहले भी हम लोग भूख पर तो हैं, ठीक है, डिप्टी कमिश्नर की तरफ से भी हम भूख पे हैं, हमारा राशन भी उकाया हुआ है, मगर ये रश्कों को पहले हिदायत करो नहीं आवे। आज मैंने उनको प्यार से मोहब्बत समझा, बोलता है उस्ताद हम लोग नहीं आएंगे। ये पुल तकरीबन सालों से हमारे हवाले है और हमारे लेबर यहाँ पर बैठता है। अकसज की पहचान दिलमुराद उमरानी साहब आप है। मेरा मन कह रहा है मैं आपको, जो सरदारों का भी सरदार है, हम उसको सरदार मानते हैं। मैं उनका शायर आपको सुनाऊं जिस मुर्शिद का मैं मुरीद हूँ। मेरा मुर्शिद कह रहा है मैं गदागर नजफ दे वाली दा इंदे पुत्र अब्बास जलाली दा, इना प्यू पुत्रियां दे दुश्मना ते, इना प्यू पुत्रियां दे दुश्मना ते सुबह शाम करें दा भर भर हां, न तवंगर हां न सिकंदर हां, मंगता हां अली दे दरदा मैं शहबाज का बनिया कलंदर हां। हम गरीब लोग हैं, सुबह से आते हैं रोजी करने के लिए, शुक्र अदा करते हैं अल्लाह पाक की, अल्लाह पाक ने हाथ पांव दिए, हम रोजी करने आते हैं, रश्के वाले छोड़ते नहीं है। अभी देखो थोड़ा साइकिल है, हम गरीब किधर जाए, वो उधर से बोलते हैं इधर जाओ, ये इधर से बोलते हैं, हम खड़ते हैं अभी 2 कलाक रोजी होती, कोई हमारी बाप की पुल नहीं है, कोई हमारी जागीर नहीं है, हम गरीब लोग है। रोज आते हैं बाबा या अल्लाह तुम हमको रोजी दो, सही सलामत सेहत दिए, रोजी 2 घंटे में होती है, हम जाते हैं गरीब लोग बाबा, ये छोड़ते नहीं, हमारी गुजारिश है तुमको भी लखाफरीन है बाबा, वीडियो वाला तुम हमारी कुछ सुनता है, हम दरख्वास्त करता हूँ हम गरीब की कोई सुने यार। वासा डीएम के साथ दिलमुराद उमरानी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त मौजूद हूँ मछली पुल उस्तामंद में। मेरी अकम में देख रहे हैं ये मजदूर हैं, मजदूर एक रीढ़ की हैसियत रखता है, लेकिन बदकिस्मती से इनको बैठने की ऐसी जगह भी नहीं है जो सुबह के टाइम यहाँ पे बैठे, कोई काम काज कर के लिए उसको लेकर जाए रोजी रोटी के लिए। बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो मछली पुल पर ये इनका अड्डा है, जो यहाँ पे सुबह सवेरे हमारे कैमरा आपको पीछे से दिखा सकता है कि यहाँ पे रक्षे आके यहाँ पे ठहर जाते हैं। जिन्हों का कहना है कि रक्षे वालों का यही काम है कि सुबह सवेरे निकल के जाए अपना काम काज करके फिर इसके बाद 10 बजे के बाद यहाँ पे ठहरे, लेकिन बदकिस्मती से आपको देखने मजदूर हैं, जब यहाँ पे रक्षे ठहर जाते हैं तो ये गरीब रास्ते जनार रोड पे ठहरते हैं और यहाँ पे जनारों में गाड़ियाँ आती हैं, बसें आती हैं, लेकिन उनको बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले हमारी गुजारिश ये है कि इनको लिए जगह दिया जाए, अगर जगह नहीं है तो यहाँ पे मछली पुल पर इनका हक है, लेकर ये जो रक्षे वाले सुबह सवेरे आके यहाँ पे ठहर जाते हैं, ये जुल्म की इंतहा है, ये इंतजामी के लिए भी सवाल निशान है। तो यहाँ पे मजदूर इत्तेहाद के जो सदर हैं यहाँ पे मौजूद हैं, आई इनसे भी बातचीत करते हैं, इनका क्या कहना है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये आप जो मजदूर हैं रीढ़ की हैसियत रखते हैं, लेकिन बदकिस्मती से आप लोगों को सुबह के टाइम रोजी रोटी के लिए आप लोगों के मजदूर यहाँ के बैठते हैं, इनको बैठने का जगह भी नहीं, क्या कहना चाहेंगे। सर कल मैंने रश्का यूनियन के सदर के साथ बात किया, मैंने बोला अगर कल तुम्हारे रश्के वाले यहाँ आए, अगर उन्होंने यहाँ रश्के अपने ठहराए तो मेरे मजदूर बिल्कुल इंशाल्लाह, पहले भी हम लोग भूख पर तो हैं, ठीक है, डिप्टी कमिश्नर की तरफ से भी हम भूख पे हैं, हमारा राशन भी उकाया हुआ है, मगर ये रश्कों को पहले हिदायत करो नहीं आवे। आज मैंने उनको प्यार से मोहब्बत समझा, बोलता है उस्ताद हम लोग नहीं आएंगे। 2-3 रेड़ी हैं, उनको भी मैं हिदायत करता हूँ कि भाई सुबह 10 बजे तक, ये पुल तकरीबन सालों से हमारे हवाले है और हमारे लेबर यहाँ पर बैठता है, अगर कोई जोर से बैठा है जोर का मुकाबला पेंट का जवाब हम पत्थर से देंगे, ठीक है, मगर आज इंशाल्लाह मैंने रश्के वाले को बोला है वो निकाल के गए हैं, और रेडी वालों को भी हिदायत करता हूँ कि थोड़ा एक साइड करके 10 बजे के बाद बेशक आ जाओ, ये रोड है मेरा जागीर नहीं है, मगर सुबह का टाइम हमारे मजदूरों के साथ ये, ठीक है। क्या तकलीफ है? तकलीफ बहुत है सर, यहाँ शहर में ना गैस है, सुबह उठते हैं गैस घर में नहीं है, और नाश्ता भी या जाके होटल पे करते हैं तो एक चाय का कप एक पराठा 200 रुपया, गरीब आदमी कमाते हैं टोटल 500 रुपया, 200 रुपया सुबह का नाश्ता हो जाता है, बस मजदूर है अलग। दिहाड़ी थोड़ा पता है, दिहाड़ी नहीं बढ़ रहा है सर। दिहाड़ी सर पहले तो अभी भी वो जो पुराने सदर हैं पुराने चेयरमैन हैं वो लोग 550 रुपये, मैं खुद वैसे 700 रुपया दे रहा हूँ, इस टाइम भी मेरे 10 काम चल रहे हैं, मैं 700, और इस महीने जनवरी में इंशाल्लाह मैं 800 का ऐलान करूँगा, और जिस मजदूर को बोल जो मजदूर आपको दिहाड़ी ठेकेदार कम देता है, आप सिर्फ मेरे पास एक मरतबा जो मैं जानूँ वो ठेकेदार जाने, इंशाल्लाह उससे मैं आपको ले। यहाँ पे आप मजदूर के सदर हैं, हालात बहुत तंग हैं यहाँ के, दिहाड़ी कभी उनका होता है कभी नहीं होता है, इंतजामिया की तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से कोई मिलता है कैसे? इंतजामिया तो बिल्कुल डिप्टी कमिश्नर ना आए,
एसी साहब को वो भी ना ले, दोनों के साथ हमारे दरखास्त पड़े हुए हैं। 400 टोकन का हमारा राशन पड़ा हुआ, कोटा पड़ा हुआ है, ये राशि है, रिश्वत मांग रहे हैं। हम रिश्वत नहीं देंगे इंशाल्लाह। हम अपना हक, आज हमारा मीटिंग है लेबर हॉल में, मैं बैठ के मजदूरों के साथ मशावरत और सारे मिस्त्री मजदूर बैठ के मशावरत, फिर इनके खिलाफ मैं रैली निकालूंगा पुरअमन अपना। मैं आज मेरा रैली भी इंशाल्लाह होगा शाम को 4। मजदूर भाइयों के लिए कोई पैगाम? बस ये मजदूर हैं हमारे, इंशाल्लाह ऐसे हमारे साथ तावन करें, हम इनके लिए अपना एक खून का के लिए देंगे हम। बहुत शुक्रिया। ये बिल्कुल इस वक्त मौजूद हूँ मछली पुल उस्तावन में। ये मजदूरों का अड्डा है, सुबह यहाँ पे रोजी रोटी के लिए आते हैं, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे जो अपना रक्षे वाले हैं सुबह सवेरे आके ठहर जाते हैं। मजदूर यहाँ पे रोड के दरमियान में ठहरे होते हैं, कभी भी यहाँ पे नुकसान होने का खदशा है। अस्सलाम वालेकुम भजन, क्या हाल? वालेकुम सलाम, अल्लाह के एहसान। आप सुनाओ दिल मुराद, खैर खैरियत से? जी हाँ, हम इस भाइयों के मेहरबानी से कुर्सी पे बैठे हुए हैं। कल रश्को वालों के साथ हमारा बात हुआ, तो उधर से एक शहर का आदमी है, तो उन्होंने बोला मैं अलियाबाद जमाली का आदमी हूँ। अलियाबाद जमाली ये तो नहीं कहते हैं जाकर के आप मजदूरों को तड़पाओ, अलियाबाद वाले ये कभी भी नहीं कहेंगे। नहीं अलियाबाद वाले ऐसे कहेंगे, नहीं जान जमाली ऐसे कहेगा, नहीं सरदार साहब ऐसे कहेगा, नहीं मीर सालार खान ऐसे कहेगा जो किसी को शहर में तकलीफ हो जाए। उन्होंने हमारे साथ बहुत नीचे ऊपर बात की, हमने वो हमारे बड़े हैं। मैंने बोला आप सिर्फ रश्का इधर चिंची इधर ठहराते हो अलियाबाद के जोर के ऊपर, हम तो अलियाबाद सी मेहरबानी से क्या चीज़ करते हैं, वो चीज़ आप भी नहीं कर सकोगे, समझ गए? बराए मेहरबानी इस साल जो पानी आया था हमारे पास, पानी आया था वो आपको पता है किसकी मेहरबानी से? वो आया है मीर हैदर खान जमाली की मेहरबानी से, सरदार साहब की मेहरबानी से, और हम सैलाब से बच गए किसकी वजह से? नवाब खानपुर वाला मीर सालार खान जमाली की वजह से हम लोग सैलाब से बच करके बच्चों के साथ अपने घर में रहे, न तो हमको भी दरपदर होना पड़ता था, समझ गए? और उसके बावजूद मैंने कल रश्के वालों को बोल दिया, सदर को भी बोल दिया, सदर ने उनके सदर से भी बात की। वो अभी आपका मुतालबा क्या है? हमारा मुतालबा यह है तो ये रश्के यहाँ पे चौक पे 10 बजे के बाद ये आ जाएं। पुराना सदर उसके पास लिखत भी है, उसके पास लिखत भी है, और वो लिखत हमें नहीं दे रहे, क्योंकि वो लिखत रमजान के पास है, वो लिखत भी हमें नहीं दे रहे। अगर वो लिखत हमारे पास होता तो हम कल भी ये रश्कों वालों का ऐसे सुनता नहीं था। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं मछली पुल उस्तावन। ये मजदूर है, मजदूर रीढ़ की हैसियत रखता है, लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत की तरफ से इनको कोई भी जगह ना मिलने पर यहाँ पे सरापा एजाज है, जिनका कहना है कि अगर कोई जगह हमें वहाँ पे नहीं मिलता है तो ये हमारी जगह है। काफ़ी साल उसे यहाँ पे ठहरते हैं, सुबह सवेरे आके रोजी रोटी के लिए यहाँ जो मतलब रुकते हैं, जब कोई आता है इनको लेकर जाता है। और यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे रक्षे वाले आके ठहर जाते हैं, यहाँ पे रेड़ी वाले ठहर जाते हैं। मजदूर अगर बीच दरमियान में खड़े ठहरे रहेंगे तो यहाँ पे कोई भी जानी नुकसान हो सकता है। जी सर, हक सच की पहचान दिलमुराद उमरानी साहब आप है। मेरा मन कह रहा है मैं आपको, जो सरदारों का भी सरदार है हम उसको सरदार मानते हैं, हम उसी सरदार के आदमी है, क्योंकि हर नवाब हर जमींदार के आदमी है, उनका तो पूरे दुनिया पूरे ज्ञान के ऊपर अरशे मखलूकात के ऊपर उनका बादशाही है। मैं उनका शायर आपको सुनाऊं जिस मुर्शिद का मैं मुरीद हूं। मेरा मुर्शिद कह रहा है मैं गदागर नजफ दे वाली दा, मैं गदागर नजफ दे वाली दा, इंदे पुत्र अब्बास जलाली दा, इना प्यू पुत्रियां दे दुश्मना ते, इना प्यू पुत्रियां दे दुश्मना ते, सुबह शाम करें दा भर भर हां, न तवंगर हां न सिकंदर हां, मंगता हां अली दे दरदा मैं, शहबाज का बढ़िया कलंदर हां। हम गरीब लोग हैं, सुबह से आते हैं रोजी करने के लिए, शुक्र अदा करते हैं अल्लाह पाक की, अल्लाह पाक ने हाथ पांव दिए, हम रोजी करने आते हैं, रश्के वाले छोड़ते नहीं है। अभी देखो थोड़ा साइकिल है, हम गरीब किधर जाएं, वो उधर से बोलते हैं इधर जाओ, ये इधर से बोलते हैं, हम खड़ते हैं अभी 2 कलाक रोजी होती, कोई हमारी बाप की पुल नहीं है, कोई हमारी जागीर नहीं है, हम गरीब लोग है, रोज आते हैं बाबा या अल्लाह तुम हमको रोजी दो, सही सलामत सेहत दिए, रोजी 2 घंटे में होती है, हम जाते हैं गरीब लोग बाबा ये छोड़ते नहीं, हमारी गुजारिश है तुमको भी लकाफरीन है बाबा वीडियो वाला, तुम हमारी कुछ सुनता है, हम दरख्वास्त करता हूँ हम गरीब की कोई सुने यार, अल्लाह वास्ते गरीब कोई कोई सुने यार। बिल्कुल, इस वक्त हम आपको बड़ा रास्ता दिखा रहे हैं, ये रेड़ी वाले जो रक्षे वाले आके ठहर जाते हैं, जिन्हों का कहना है कि रक्षे वाले
10 बजे के बाद आज ये मजदूर ठहरे हुए हैं यहाँ पे आके रक्षा यहाँ पे ठहरा दिया गया है। ये रक्षा ठहरा हुआ है, ये रक्षा ठहरा हुआ है, यहाँ मजदूर कहाँ बैठेंगे भाईजान? ये आपका रक्षा है? ये हमारा। ये मजदूर कह रहे हैं कि आप सुबह सवेरे घूमो फिरो इधर उधर घूमो, आप यहाँ पे ठहर जाते हैं। हाँ, रोजी कर ले, हम क्या करें, हम रोजी होता है आपका? जी जी। ये तो कह रहे हैं हमारा अड्डा है? नहीं, ये हमारा पुराना अड्डा है, अभी का थोड़ा ही है, ये बड़े टेम का है हमारा अड्डा, ये हमारा पुराना अड्डा है ना, इधर तभी हम सुबह से इधर ठहरते हैं, सुबह से लेके रात से 12 बजे तक इधर ठहरते हैं। तो ये फैसला हुकूमत को करना है, इंतजामिया को करना है, रोजी भी करें, रक्षा निकालें खाली बस। नहीं नहीं, रक्षा आप लोगों का, यहाँ ठहरते आप लोग? हाँ भाई, किधर ठहरे? पुराना अड्डा है ना हमारा। हाँ हाँ, यहाँ पर कहना है खाजिम हुसैन का। हाँ, हमारा सरदार है वो बड़ा, जिसका कहना है कि खादिम हुसैन हमारे जो सदर है उनका लिखित है, उनका कहना है कि आप लोग यहाँ पे रक्षा, ये भी रक्षा आ गया है यहाँ पे ठहर के। मजदूर हैं सरापा एजाज जिनका कहना है कि सुबह आके यहाँ पे रक्षे वाले ठहर जाते हैं, हमारी यहाँ पे रोड किनारे हम ठहरते हैं, कभी भी जानी नुकसान हो सकता। भाई जान अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल वाले? ये सरापा एजाज मजदूर कह रहे हैं कि यहाँ पे रक्षे सुबह ठहरे, हम कहाँ ठहरे, हमारी ये अड्डा है। ये मजदूरों को अपना होश नहीं है, सुबह का जो बच्चियाँ आती हैं स्कूल की, इनको ये भी पता नहीं है कि बच्चियाँ आ रही हैं, रास्ता सारा बंद किया हुआ होता है, कोच वाले आते हैं, ट्रक वाले आते हैं, हारून लगाते हैं, भी ये दूर नहीं होते हैं। ये कहाँ जाएंगे? ये इनका पड़ा अड्डा ये छोड़ दिया है इन्होंने, डाटसन वाला, जो गवर्नमेंट ने इनको छापरा लगा कर दिया है पक्का, ये खुद नहीं जाते उधर, ये एक साइड में आउट साइड है, उधर क्यों नहीं जाता जा रही है? 10 फुट यहाँ से रश्का कम से कम 10 फुट होगा, 10 फुट यहाँ से गया, 10 फुट वहां से गया, 20 फुट जो इस पुल के बीच में चला गया, तो क्या सवारी यहाँ से, ट्रैफिक अभी देखो, ट्रैफिक देखो, अभी देखो, अभी क्या हालत है। ये कह रहे हैं हमारे पास लिखत है, हमारे पास लेटर है, अगर वो लेटर इनके पास इन्होंने आकर के आपको दिखाया, जिसके पास कोई सरकारी ठप्पा है, तो हम चले जाएंगे। जी नाज़रीन, बिल्कुल इस वक्त हमारे दिखाने का मकसद है, मैं असिस्टेंट कमिश्नर उस्ताद मोहम्मद से गुजारिश करूँ, खुदारा ऐसे ना कि मजदूर और रक्षे वाले दस्तों गिरेबान हो जाएं, इस बाबत नोट्स लिया जाए, आज ही ये मसला हल किया जाए, और यहाँ पे जो रक्षे वाले उनको हटाया जाए, और मजदूर के लिए कोई सिस्टम दिया जाए, वहाँ पे ठहर के अपना रोजी रोटी कर सके। चाहूँगा देखते रहिए भाई साहब, डीएम मुस्तफा बलोच साहब।